मध्य प्रदेश में जल संरक्षण के लिए विशेष तौर पर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को इस अभियान के दूसरे दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में छोटे तालाब पर पहुंचे और श्रमदान करते हुए आमजन को इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर उन्होंने तालाब के तट पर साफ सफाई करते हुए स्वच्छता में योगदान भी दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान के दूसरे दिन आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और भोपाल की महापौर मालती राय भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशमी के अवसर पर 15 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 212 नदियाँ हैं, जिनमें से 10 बड़ी नदियाँ हैं और मध्य प्रदेश नदियों की राजधानी है। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से नदी को जोड़कर जिंदा किया गया। उन्होंने कहा, भोपाल तालों की नगरी कही जाती है। भोपाल की संस्कृति सबको समाहित करने की ताकत रखती है। भोपाल की संस्कृति उसकी सुंदरता है। 5 जून से लेकर 16 जून तक पर्यावरण दिवस से लगाकर गंगा दशमी तक जल गंगा संरक्षण अभियान का आज दूसरा दिन है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज भोपाल में छोटे तालाब पर नगर निगम उज्जैन और स्थानीय शासन द्वारा इस आयोजन की शुरुआत की गई। मेरी अपनी ओर से स्थानीय शासन मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ के मंत्री विश्वास सारंग जी, हमारे अपने महापौर श्रीमती मालती राय जी, नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, यहाँ के विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, सांसद आलोक जी, मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, सभी मित्रों के साथ हमने ये अभियान की शुरुआत की है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में आने वाली वाटर बॉडीज पर हम काम करेंगे और उन्हें संभालेंगे। मैंने निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा, आज भी देश की सबसे साफ नदी नर्मदा है। एक साल के अंदर सारे नाले जो नर्मदा नदी में मिलते हैं उन्हें बंद करने का प्रयास करेंगे। नर्मदा किनारे जो भी खेती है वह सभी ऑर्गेनिक होनी चाहिए। इसको लेकर रणनीति बनाएंगे ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। 5 जून से 16 जून तक प्रदेश के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनके संरक्षण का संकल्प लिया, उनको संभालने की कार्यक्रम बनाए और मैं इस विभाग के मंत्री होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूँ कि नगरीय क्षेत्र में आने वाली जितनी भी वाटर बॉडीज हैं उन सारी वाटर बॉडीज पर हमारा विभाग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में काम करके उसको संभालेंगे और संवारेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं मंच को बताना चाहती हूँ कि भोपाल में 12 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर झील और हमारे तालाब के किनारे हैं। वहाँ पर प्रतिदिन भोपाल की जनता, भोपाल के नागरिक, भोपाल के जनप्रतिनिधि और नगर निगम के कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर और 10 बजे तक एक योजनाबद्ध तरीके से स्वच्छता अभियान करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।